जी काशिफ सर, ये भी बताइएगा, नहीं आपने आपने जो है वो ये सारा मंजरनामा तो बताया, लेकिन आगे की बात कर लेते हैं ना, आगे क्या होगा, किस किस तरह मुजाकरात होंगे नहीं होंगे। मैं सुन रही थी आपके ही शो में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि उनको जो है वो डेथ सेल में रखा हुआ है इमरान खान साहब को। फिर फैसल चौधरी साहब जो है उनका भी एक ट्वीट मैंने देखा जहाँ उन्होंने कहा कि वो खान साहब से मिले, उनकी दाढ़ी जो है वो बढ़ी हुई थी, जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है तो उन्होंने कहा कि 36 घंटे से मुझे कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इस किस्म की अगर चीज़ें हो रही हैं तो ये कोई मुजाकरात का मूड तो नहीं लग रहा है, और अगर मुजाकरात नहीं होंगे, कोई बातचीत नहीं होगी, तो फिर आगे क्या होगा आपके ख्याल में? देखिए सबसे पहले तो हालात को हम समझ लेते हैं ना कि दोनों चीजों दोनों पार्टियों का स्टेक पर क्या है। तरीके इंसाफ के लिए डू और डाई, वाकई डू और डाई है कि अगर यहां से नाकाम होते हैं तो एक बड़े अरसे के लिए शायद वो पीछे धकेल दिए जाएं, इमरान खान साहब का बाहर निकलना मुश्किल है। तो उनका बहुत कुछ दांव पर लगा, और हुकूमत भी तो अपनी हुकूमत दांव पर लगी हुई, हुकूमत के पास कुछ देने को नहीं है इस वक्त तरीके इंसाफ को। तरीके इंसाफ की तो चार डिमांड्स हैं, उन चारों में से कोई एक डिमांड मान लें हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत नहीं चल सकती। तो ये है स्टेक, समझ लें कि स्टेक्स क्या है। आज की रात मुझे लगता है बड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि अगर आज की रात हुकूमत इनको बैठने देती है और ये प्रोटेस्टर्स यहां पर रात सारी बैठे हैं तो कल से ये नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं यकीन माने मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था, बात शुरू हुई बिल्कुल ही नॉन पोलिटिकल, उस पर क्रिकेट की बात कर रहे थे, हमारा इंटरव्यूमेंट हो रहा, उसके लिए फोन किया और बात कर रहे थे। उसने कहा कि मैं अभी दुकान पर गया तो लोग सामान लोड कर रहे थे खाने पीने का डाले में, और कह रहे थे कि हम ले जाते हैं धरने वालों को देने, और ये वहां पे लोग काफी सारे घूम रहे थे जो खाना पीना वहां पे चल रहा। तो अगर तो आज रात गुजार गया ये धरना, और कल से मुझे लगता है कि ये नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा, इस्लामाबाद पिंडी के लोग आना शुरू हो जाएंगे। अगर उनको लगे कि ये पुरमन है या वो हाई हैंडेडनेस या अग्रेशन नहीं है हुकूमत का, हुकूमत गोली नहीं चला रही, आंसू गैस इस्तेमाल नहीं कर रही, प्रोटेस्टर्स को तंग नहीं कर रही ज्यादा, तो लोग बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो ये हुकूमत के लिए नुकसानदेह होगा जी। दूसरी काशिफ साहब जी जी, एक चीज और यहीं पे अगर इससे कनेक्ट की जाए तो यहां पे फिर कॉमन सेंस कहां पर जाती नजर आती है, कि जहां पर उधर भी कुछ नहीं है इधर भी कुछ नहीं है, तो आखिर फिर अब रास्ता कहां से निकलेगा? मैं अगर इसी को एक जुमला और कर दूं कि इस वजह से हुकूमत इनको प्रोटेस्टर्स को यहां बैठने नहीं देना चाहती हो, खबर तो यही आ रही है कि वो ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि ये यहां बैठ गए तो फिर ये कितना लंबा चलेगा, इसके अंदर शायद ज्यादा जान पड़ जाएगी, लोग इनके पास ऑलरेडी हैं, अगर मजीद लोग आ गए तो मुश्किल बन जाएगी। लेकिन वहां में कॉमन सेंस की बात की, वो अनफॉर्चुनेटली ये भी कहते हैं कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। मसला है, मसाइल का हल सियासी ही होता है, इस तरह का मसला सियासी है, ये इसका सियासी हल होगा। लेकिन अगर आप ये फैसला कर लें और सरकार और उसके साथ जुड़ी ताकतें ये फैसला कर लें कि हमने ताकत के इस्तेमाल से इसको हल करना है, और डायलॉग नहीं होगा, हुकूमतें उमूमन डायलॉग से मसले हल करती हैं, लेकिन डायलॉग में मसले का हल है नहीं। जो चीज तरीके इंसाफ मांग रही है आपने, वो डायलॉग देनी बड़ी मुश्किल है हुकूमत के लिए। काशिफ आपने डायलॉग की बात की, मोहसिन नकवी साहब को आपने सुना होगा, वो बार बार एक बात कह रहे हैं, वो कहते हैं जनाब कि हमारे मुजाकरात तो कामयाब हो सकते हैं लेकिन एक खुफिया हाथ है जो मुजाकरात को कामयाब नहीं होने दे रहा। अब हमारे यहाँ जो जर्नलिस्टिक टर्म समझे जाती है खुफिया हाथ की, वो तो एजेंसीज की समझे जाती है, शायद एजेंसीज की सपोर्ट है, कोई पीछे से कोई एस्टेब्लिशमेंट के कोई बंदे हैं तो वो इनको कह रहे हैं जनाब आपने मुजाकरात नहीं होने देने। तो ये उनका किन की तरफ इशारा है, ये कोई पीटीआई के अंदर से किसी की तरफ इशारा है कि ये खुफिया हाथ है जो पीटीआई को कमांड कर रहा है और उनको मुजाकरात नहीं करने दे रहा, या कुछ समझते हैं कोई उनमें से एजेंसीज में से एस्टेब्लिशमेंट से कुछ लोग हैं? अब उनकी तरफ तो नहीं कहेंगे मोहसिन नकवी साहब, वो ना एस्टेब्लिशमेंट का कहेंगे ना एजेंसीज का कहेंगे, तो आपका कैसे क्या लगता है वो किन को कहने की कोशिश कर रहे हैं? उनका इशारा बुशरा साहब की तरफ तो नहीं है कि वो नहीं होने दे रही? मेरा ख्याल उनका इशारा उधर ही है, लेकिन मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ अगर मुझे आप इजाजत दें। मैं बार बार बात डायलॉग की बात तो हम इसलिए भी करते हैं कि हम डेमोक्रेट्स हैं, हमारा ख्याल है बातचीत से निकलना चाहिए, लेकिन मैं आज जब जाके मैंने देखें हालात देखते हैं तो आपको कुछ और चीजों का भी एहसास होता है। जिस तरह लोग लोकल्स खाने लेकर आए हुए हैं, पानी पिला रहे हैं लोगों को, ये चीज आप अब ये लड़ाई मुझे लगा इन सारे हालात को देखकर आप इनको मार सकते हैं, आप इनको भगा सकते हैं, आप इनको दबा सकते हैं, आप इनको हरा नहीं सकते। इस माइंडसेट को हराना बड़ा मुश्किल है, मकबूल माइंडसेट है, इस तरह की सपोर्ट है कि वो जो लोग दूर से आए हुए हैं उनको, मैंने जलजिले के बाद ये देख रहा हूं या ऐसा कि आफत के बाद अमूमन ऐसा होता रहा कि लोग मदद के लिए आ जाते हैं, खाने लेकर आते हैं, गाड़ियों की डिग्गियां भरी होती है, मैं देखी आज गाड़ी की डिग्गियों में खाने और पानी,
लेकिन काशिफ भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ, 126 ठीक करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब बैठे रहे तो खाने पीने तो उस वक्त भी आते थे, डोनर उस वक्त भी थे, लोग उस वक्त भी पानी ले रहे हैं, कोई जूस लेके जा रहा है, कोई वहां पे खाने सुबह शाम 126 दिन भी खाना मिलता रहा था भाई जन, आपको याद होगा, आप भी इधर थे। जी जी बिल्कुल, लेकिन ये तो कैसे नई बात नहीं है। नहीं है सर, लेकिन मैं मेरा ये मानना है सर कि जब पब्लिक सपोर्ट सपोर्ट हो ना, उस वक्त इमरान खान साहब की सपोर्ट 2013 में खान साहब ने जरा ओवर प्ले किया अपना है, सपोर्ट थी पर इतनी सपोर्ट नहीं थी, एक अर्बन सपोर्ट उनके पास जरूर थी, मैं आपसे आपकी इस बात से इत्तफाक करूंगा। लेकिन अगर ये लोग यहां पर आ गए हैं और यहां पर बैठ गए और इस तरह इनको सपोर्ट यानी री इन्फोर्समेंट मिलती रही, इस्लामाबाद पिंडी के क्राउड्स या लाहौर के क्राउड्स आने शुरू हो गए, इनको उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि आप इनको उस वक्त इमरान खान साहब बाहर थे, खुद लीड कर रहे थे, अभी उनका लीडर जेल में, पहले उनका मैंडेट गया वो इकलौता बैच है, उनका लीडर जेल में जिसको छुड़वाने के लिए सारे बाहर आए, उनको कुछ ना कुछ तो दे, ऐसी वक्त में जब मुजाकरात होते कुछ देना पड़ता। नहीं नहीं, आपने अच्छी बात देने के लिए कुछ ना कुछ आपने कहा देना पड़ेगा। रबिया ने भी ये पूछा आपसे कि वे फॉरवर्ड क्या है, अब जिस उसमें ये फंस गए हैं दोनों एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब फंस गए हैं, ये मतलब है एक पर्सनल लड़ाई भी बन चुकी है, हम पहले से जानते हैं इट्स अ पर्सनल बिटवीन दीज टू पावरफुल पीपल। फिर हम देखते हैं कि एक क्लैश ऑफ टाइटंस, एक क्लैश ऑफ ईगोज भी है, एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट की ईगो है, दूसरी तरफ खान साहब की ईगो है। एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं हमारे पीछे 6 लाख आर्मी को हम कमांड करते हैं, खान साहब कहते हैं जी लाखों लोग मेरे पीछे हैं, तो कहाँ पे कोई मिडल ग्राउंड हो सकता है? अगर अगर एस्टेब्लिशमेंट छोड़ती है तो उनके लिए बड़ी सुर्खी बनेगी कि देखा वो बंदे लेकर आए, अपना बंदा छुड़ा के ले गए और बुशरा साहब खतून नहीं और उन्होंने आपको थ्रेट किया और आपको उनके सामने आपको झुकना पड़ा, उनको ये उसके ईगोज के मसाइल हैं। अगर वो बगैर इस खान साहब को लिए जाते हैं तो बुशरा साहब की सियासत हमेशा के लिए जो शुरू हुई है लांचिंग हुई है वो खत्म हो जाएगी। जनाब आप तो कह के गए हम खान को वापस लेकर आएंगे, आप खाली हाथ गए, ये इतनी दो एक्सट्रीम में खड़े हुए हैं दोनों ग्रुप्स, मुझे तो कोई मिडल वे कोई नजर नहीं आ रहा। कोई आप जहीन आदमी है, कोई आप बताएं वेयर कुड बी मतलब अग्रीमेंट कहाँ हो सकता है? नहीं मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि जो डिमांड है और जो दिया जा सकता है वो आपस में मैच ही नहीं करता। जो डिमांड जो तरीके इंसाफ मांगती है, जो हुकूमत दे सकती है, दो बड़ी मुख्तलिफ चीजें हैं, इसमें कोई मिडल ग्राउंड नहीं है, कोई एक पार्टी जीतेगी दूसरी हारेगी। अब फैसला ये करना है कि वो कैसे होगा, क्या एक एक ताकत का इस्तेमाल करके हुकूमत इन सबको यहां से निकालेगी, सख्त तरीन ताकत का इस्तेमाल करेगी, किसी को इस्लामाबाद नहीं आने देगी, और कब तक तरीके इंसाफ क्या स्ट्रैटेजी देगी? देखिए तरीके इंसाफ एज प्रोटेस्टर्स उनके पास भी बहुत लेवरेजेस, वो यहां से निकाल भी दें आप निकल जाएंगे, लेकिन वो हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा आने का ऐलान कर देंगे। जो उनका वोट बैंक है, जो उनका सपोर्ट स्टाफ, जो सपोर्ट सिस्टम है उनका, वो लोग निकल आते हैं उनके लिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है इस मसले को हल करना होगा, इसको दबाना ताकत के जरिए वक्ती तौर पर तो हल किया जा सकता है हुकूमत की तरफ से, लेकिन अगेन बात आपकी ठीक है कि सोल्यूशन इस मसले का कोई नहीं, दरमियानी रास्ता। आपने सपोर्ट की बात की, आपने सपोर्ट की बात की, हमें अब तक नजर आ रहे जितने भी खान साहब ने इस्लामाबाद पे मार्चेस खुद किए हैं या अमीन गंडापुर साहब ने किए हैं, वो सारे के सारे केपी केस हैं, हुकूमत है, लोग हैं, रिसोर्सेज हैं, गैदर करके आ जाते हैं और उनको रोकता भी कोई नहीं है, साफ जाहिर है। तो पंजाब में हम देख रहे हैं पिछले 2-2.5 सालों में से कोई एक बड़ा जलसा नहीं हो सका, कोई एक बहुत बड़ी वहां से लोग नहीं निकले, इतनी दफा कॉल्स आई हैं, हड़तालों की खान साहब ने कहा बार बार हुए, जुमा कर लो, फलाना कर लो, अभी भी इतना बड़ा एक फाइनल कॉल थी। कोई पंजाब से हमें लीडर नजर नहीं आ रहा, पंजाब से कोई हमें कोई जलूस नजर नहीं आया, कोई लाहौर में लोग नजर नहीं आए, कोई मुल्तान में, बहावलपुर में, लंबा एक काम है। तो पंजाब में लोग वोट तो दे रहे हैं खान साहब को, दिए भी हैं उन्होंने नो डाउट, लेकिन वो खान साहब के लिए सड़क पे आने को, मार खाने को तैयार नहीं लग रहे। आपकी क्या रीट है? पंजाब में तो लीडरशिप ही नजर नहीं आ रही, कोई बंदे नजर नहीं आ रहे, कोई जलूस ही नहीं है, वहां सपोर्ट बेस तो घरों में बैठी हुई है, बाहर नहीं निकली, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जैसे आज मैं और रबिया कर रहे हैं प्रोग्राम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम वाला हिसाब है। और वो ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। देखिए इमरान खान साहब की सपोर्ट सड़क पे आती है अगर डंडे खाने का डर ना हो। इमरान खान साहब ने जितने जलसे जुलूस किए पंजाब में,